पर्सनली डू यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रैप कल्चर जैसे पायनियर मैं रहा हूँ तो मैं जो करूंगा उस पर सबकी नजर रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता. हाँ एग्जैक्टली अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है प्रेशर. हाँ क्योंकि यंगस्टर्स सब मुझे देखते हैं और वो चाहते हैं मेरे जैसा बनना, तो अगर मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ तो उन पे गलत असर पड़ेगा. मेरा मतलब उनको मैं एक आइकॉन जैसा बन गया हूँ यूथ के लिए. रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ पलक एंड सामने मेरे ऐसे इंसान बैठे हैं जो जिनके एंटर होने से पहले उनका स्वैग एंटर होता है. नेज़ी इन द स्टूडियो, वेलकम भैया. बहुत ही सेक्सी जैकेट पहन के आए हो, मतलब कोई बाइक वाइक पे निकलने वाले हो, क्या सीन है? क्या बोल रही है पब्लिक? मैं रेडियो सिटी पे आने वाला था इसलिए मेरा जैकेट सेक्सी है क्या? और असल में मैं शौकीन हूँ चीजों को पहनने का और ऐसा स्टाइल में घूमने का, मुझे मजा आता है. बट अगर कोई इंसान सिंपल हो लाइफ में तो वो क्या रैपर नहीं बन सकता? बीइंग अ रैपर मींस हैविंग फैंसी क्लोथ्स, फैंसी टोपीज, फैंसी चश्मा. इट कम्स विद योर पर्सनालिटी, द होल पैकेज. यू शुड हैव स्वैग फॉर रैपिंग, यू शुड हैव द स्टाइल. और तुम्हारा जैसे तुम्हारे वर्ड्स की डिलीवरी होती है, जैसे तुम्हारा रैप का फ्लो होता है, वैसे ही तुम्हारा पहनना ओढ़ना, तुम्हारे कैप, स्नैपबैक, चश्मे, तुम्हारे ज्वेलरीज. मैं तो कम ड्रेस होता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल हूँ असली लाइफ में, इसलिए मैं थोड़ा डिसेंटली ड्रेस होता हूँ. लेकिन बाहर के रैपर्स को आप देखोगे तो किलोज ऑफ चेन्स, गोल्ड, दिस दैट, मतलब उन लोग फुल खतरनाक घूमते हैं. तो मैं फिर भी थोड़ा कम हूँ इंडिया के हिसाब से. तो आपको रात को पजामा पहनने में कितना सुकून मिलता है कि नॉर्मल कपड़ों? नहीं, मैं यूजुअली कंफर्टेबल चीज पे ही अपना स्टाइलिंग करता हूँ. जो भी मैं पहन रहा हूँ मुझे कंफर्ट महसूस होना चाहिए. कुछ भी अनकंफर्टेबल रहता है तो मैं नहीं पहनता हूँ. कौन सा ऐसा ब्रांड था जो मतलब ग्रोइंग अप या फिर बचपन में आपको लगता था ये ब्रांड कभी पहना तो मजा आ जाएगा? मैं बचपन में सेकंड हैंड क्लोथ्स खरीदता था एडिडास ब्रांड के चोर बाजार से. एडिडास तो अभी एडिडास मुझे मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे स्पॉन्सर कर रहा है. एक साल दो साल तक हम लोगों ने साथ में डील किया है कि एडिडास के साथ मेरा जो कोलैबोरेशन हुआ कि उन्होंने मुझे कपड़े भेजे, जूते भेजे, उन्होंने मतलब मुझे अपना बंदा बना दिया. हाँ, तो एडिडास ने मतलब लाइफ के दो फेज में अलग अलग तरीके का इंसिडेंट हुआ कि एक टाइम पे मैं उनके पीछे था, आज वो मेरे पीछे. क्या बात है. ऐसा काम करो कि वो आपके पीछे भाग. बट यू कम अप विद योर न्यू एल्बम, टेल अस अबाउट इट, इट लुक्स ग्रेट. ऑफ कोर्स आपका ठप्पा पड़ जाता है तो सब कुछ गोल्ड हो जाता है. ओहो, आपने तो बहुत कुछ जान लिया मेरे बारे में. हाँ, असल में ये नया एल्बम मगरिब का नाम है. हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मगरिब का मतलब होता है वेस्ट. अच्छा, के सूरज ढलता है वेस्ट में. और हिप हॉप का ओरिजिन हुआ था वेस्ट में जी. और मैं भी वेस्ट से बहुत इंस्पायर था बचपन से, मैंने वेस्ट से बहुत कुछ सीखा है. बट आपने कैसे सीखा? ग्रोइंग अप सोशल मीडिया तो थी नहीं. आई वांट टू नो कि आपने कैसे इन्फ्लुएंस वहां से लिया. हाँ, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च किया करता था इधर उधर. इंटरनेट नहीं होता तो कुछ नहीं. हाँ, मैं साइबर कैफे जाके लिरिक्स प्रिंट आउट करता. अलग लेवल का जोश होना चाहिए इधर वो करने के लिए. मतलब उस ओल्ड स्कूल डेज में समझ रहे हो कि इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे को अपना पाथ मिल गया. जुनून. हाँ बिल्कुल सही बोला आपने. तो मेरे अंदर पैशन इतना था कि मैं किसी की सुनता नहीं था. मैं मेरा माहौल अलग था. वहां पर किसी को पता नहीं इंटरनेशनल म्यूजिक क्या होता है क्या. और हम तो वही सुन रहे थे, तुम तो ठहरे परदेसी. तो उस माहौल में रह के मैं इतना अलग डायरेक्शन में जा रहा था तो मुझे अपने आप को ताकत लगानी पड़ी. उन लोग से लड़ना पड़ा, लोगों से, लोगों को समझाना पड़ा. मेरे म्यूजिक में, मेरे प्लेलिस्ट में सबसे अलग गाने होते थे. तो बहुत हेट भी मिला इनिशियली मुझे, लेकिन मैं अपनी चीजों में कामयाब हुआ. मुझे वही चीज आज हेल्प करी है कि मेरा जो बचपन में ग्रोइल ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू लिसन टू हिप हॉप म्यूजिक. तो उसके बाद आई डोंट नो एनी किसको हिप हॉप का मतलब ही पता होगा. लेकिन अब पता चल रहा है थ्रू गली बॉय, थ्रू यू एंड यू आर द पायनियर्स फॉर दिस इंडस्ट्री. हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे, लोगों को पता चले कि हिप हॉप कितना अच्छा आर्ट फॉर्म है जहां पर हम एक मैसेज पास कर सकते हैं, जहां हम लोगों को स्पार्क कर सकते हैं, सोशली रिलेवेंट टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके थ्रू. तो ये जॉनर को हम लोग इसलिए प्रमोट कर रहे हैं. और मगरिब मेरा एल्बम पूरा उसी बारे में. इसको मैंने ट्रेडिशनल हिप हॉप तरीके से बनाया. ओके, इसमें ईस्ट कोस्ट का जो हिप हॉप फ्लेवर है जो न्यूयॉर्क में 90s के जमाने में बूम बैप रैप जैसे हुआ करता था, तो वैसे जोन में, वैसे स्टाइल में कुछ रैप है. और फिर राइम स्कीम, टेक्निकलिटीज, थीम्स, टॉपिक्स सब मैंने रियल रखा है कि रियल लाइफ से जो रिफ्लेक्ट होता है, जो रियलिटी है नेबरहुड्स की, हमारे रस्तों की, हमारी सोसाइटी की, वो सब चीज़ों के बारे में बात किया. लड़कियों को जो छेड़ा जाता है उसके बारे में बात किया है कि कैसे उस पर रुकावट लगाई जाए, कैसे लोग और जिम्मेदार बन जाए और कॉन्शियस हो जाए लाइफ में. तो मगरिब पूरा उसी बारे में.
And a lot of people follow you, and through this music, you're giving them a subtle message. Yeah, yeah. Kitne logon ka, you know, mind transform ho raha hai. Ji, ji, so it's ji. Just not music. It's like it's more it than changes music. You. Yeah, yeah, yeah. But aap itne zyada social issues pe banate gaane. Ji. But the dieting pe aapne gaana bhi nahi banaya. Bahut bada social issue hai aurton ke beech mein. Mujhe pata hai. Main aise aise issues uthane wala hu jo log nazar andaz karte. Like dieting ho gaya, jaise mental illness ho gaya. Mental illness. Haan, yes. Jaise addiction ho gaya, cigarette smoking, ye wo jo harmful cheeze hai. तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज है जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इन सब बारे में भी मुझे बात करनी है धीरे धीरे. अब सब टॉपिक कवर करूंगा, आप एक एल्बम में सारी चीजें मुझे तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है सोशल साइंस की किताब में ना उसकी जगह बोलेंगे नेजी का एल्बम सुन लो, हो गया सोशल साइंस वाला. लेकिन मुझे ज्यादा भाषण वाला रैपर भी नहीं बनना है कि लोग बोर नहीं होना चाहिए कि बस कर यार हम लोग को क्यों भाषण दे रहा है यार, हम लोग को पार्टी करना है. तो बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, मतलब पार्टी भी होनी चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए, इंफोटेनमेंट होना चाहिए. इंफोटेनमेंट, राइट राइट. But you've grown up in Kurla, and I was just wondering, like, growing up, your favorite food kya tha Kurla mein? Favorite food? मतलब क्या चीज़ आप सड़क की खाते थे? और मैं बचपन में जो खाता था सड़क की चीज़ें, कबाब, सीख कबाब, वो सब आजकल के गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया. अभी मैं क्या बताऊँ, वो कुरला मतलब एक ऐसा जगह है जैसे भाईकला हो गया, मोहम्मद अली रोड हो गया, तो बॉम्बे का जो स्ट्रीट फूड है वो स्पेशली ऐसी जगहों पे मिलता है. तो हमारे हमारे एरिया में ऐसा फेमस सीख पराठे वाला है जहाँ पब्लिक मोलून थाने घाटकों पर वहाँ वहाँ से ट्रैवल करके कुरला आती है. really? कि हम लोग को वहाँ वो टेस्ट मिलेगा, ऑथेंटिसिटी जो रहती है. तो वो थोड़ा बचपन में वाइल ग्रोइंग अप मुझे बहुत पसंद था. तो अब लेकिन चेंज हो गया, मटन वटन का मुझे मिल जाता है अभी भी, अच्छे टेस्ट का फूड मुझे मिल जाता. तो एक से एक चीज़ हम लोग खाते हैं जो कुरला में स्पेशली मिलती है. But अब कभी वापस फेमस होने के बाद यू वेंट टू द स्टोर और शॉप और वेयर वेर यू लाइक ग्रोइंग अप खाते थे? आई कीप विजिटिंग देम एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी सरप्राइज्ड. हां, लोग बुला के बैठाते, कई बार बिल माफ करते हैं तो इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया. अरे उनमें पैसे ही नहीं लेते मुझसे, तो बोला हमारा बिल माफ कर दे हम आ जाएंगे. हाँ, मैं प्रमोट करूंगा रेडियो सिटी पलक का बिल नहीं, माफ करूं. नहीं तो हम नेजी का नाम लेंगे, 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा, जरूर मिलेगा. साथ ही साथ आपको पार्सल भी करवा देंगे. तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट कोई बात नहीं, जानने में क्या जाता है. बट जब आपके पास ऐसे कि आपने कहा कि एडिडास गेव यू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू फेल्ट दैट, सो व्हेन वाज द टाइम यू एक्चुअली फील कि साला अभी अमीर हो गए हैं? कभी ऐसा मोमेंट था व्हेन यू बॉट समथिंग और कुछ ऐसा कुछ याद है आपको? अब तो इतने साल हो गए. हाँ, अभी रिसेंटली मैं मर्सिडीज खरीदा और और जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कल तक तो हम लोग लोकल ट्रेन में घूम रहे थे भाई, बिना टिकट निकाले. और आज मतलब ऐसा लग्जरियस कार वार में घूम रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है. लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि नहीं यार, लाइफ में सादगी होनी चाहिए और अननेसेसरीली ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए. थोड़ा वैल्यू पता चली पैसों की, कितने मेहनत से कमाए जाते हैं. बिल्कुल, बट कभी गिल्टी फील होता है दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग एंड यू नो सम पीपल आर देयर स्टिल. या आई फील सो मच, जो आपके दोस्त थे या कुछ थे, मुझे कितना बुरा लगता है कि मेरे क्लासमेट्स जितना साल भर में उन लोग जितना कमा रहे हैं, मैं एक दो दिन में उतना कमाता हूँ. बिल्कुल. तो मुझे बहुत ऐसा बुरा लगता है कि मैं उनके साथ जब उठता बैठता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि क्या मतलब मुझ पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स क्यों टपकी है खुदा की, या मुझे क्यों ऐसा चुना गया है कि मैं मतलब क्यों वाई मी. मतलब मेरे ग्रुप में 8 लोग थे. हाँ. उन लोग क्यों नहीं अचीव कर पाए ये चीज़ें, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. तो कभी कभी अजीब फीलिंग आती है. आई अंडरस्टैंड. लेकिन फिर ऐसा लगता है कि जो हो रहा है अभी तकदीर में लिखा हुआ था और ऊपर वाले के मर्जी से हो रहा है. तो कितना आपको लक लगता है, कितनी मेहनत, व्हाट इज द परसेंटेज? बिकॉज़ जनरली लोग ये पूछते हैं कि लक से हो गया होगा, बट आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 65-70% मेहनत है, बाकी सब लक है. 65-70% मेहनत है, दैट्स अ लॉट ऑफ मेहनत. नहीं तो कभी कभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगता है. कभी कभी लगता है कि सिर्फ लक के वजह से हुआ है. लेकिन फिर मैं अपने क्राफ्ट को देखता हूँ और फिर लगता है कि नहीं, मैंने मेहनत भी की है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइबर कैफे से मेहनत कर रहे हैं. हाँ, हाँ, 10 रुपए घंटा वाली मेहनत कर. हाँ, मैंने दिमाग खपाया है अपना, मतलब लोगों से लड़ के, लोगों से झगड़ के, फैमिली के अगेंस्ट जाके, इतने सारे रिजेक्शन झेल के, इतने सारे एलिगेशन झेल के, इतने सारे लोगों की गाली सुन के मैं फाइनली यहाँ तक पहुंचा हूँ. तो मेहनत तो लगी है और बहुत सारा मन बोलते ना, जान माल पैसा, तन मन धन खून पसीना सब कुछ लगा, लंग लिवर किडनी. तो आज हम लोग अपने हक का कमा रहे, क्या हम लोग का ऐसा फ्री में नहीं मिल रहा है हक का काम. बट आप कभी सोचते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए धारावी कुर्ला सब एरिया? जी बिल्कुल. मेरा लगता है मैं कुछ स्कूल बनाऊं या म्यूजिक स्कूल कुछ है. मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है वैसा कुछ करना, एक्टिविटीज
क्योंकि मुझे गिव बैक करने का बहुत शौक है. मैं अपने म्यूजिक द्वारा भी लोगों को तक मतलब कुछ अच्छा फैलाना चाह रहा हूँ कि लोगों को मैसेज मिले, मुझसे लोगों का फायदा हो. हाँ. क्योंकि मुझे भेजा गया है इस दुनिया में फायदा ही करने के लिए. मैं ऐसा यकीन purpose, है. हाँ, एक मकसद के लिए भेजा है कि एक पर्पस है लाइफ का, कि दूसरों को फायदा पहुंचाओ. तो उसमें मैं वो सारी चीजें करने वाला हूँ. धीरे धीरे मैं चीजें ले कर रहा हूँ कि कैसे मेरे नेबरहुड के लोग अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में प्रोग्रेस करें और प्रोडक्टिविटी आए उनके लाइफ में. तो उसके लिए मैं मेहनत ऑलरेडी कर रहा हूँ. कुछ बच्चों को तो मैं ऑलरेडी स्कूल भेज ही रहा हूँ और उसको बढ़ाना है, अभी एक्सपांड करना है, उसको बड़े लेवल पे करना है. एंड मुझे ऑनेस्टली आई बिलीव इन लाइक हम लोग इतना स्पेंड करते हैं खाने पे माने, व्हाई कांट वी टेक आउट सम मनी शुरुआत में महीने की, यू नो, टू हेल्प समवन. वो एजुकेशन हमारे देश में होनी चाहिए. सो रिसेंटली व्हेन दिस विंटर सीजन स्टार्टेड इन बॉम्बे और जब ज्यादा ठंड पड़ने लगी, तो हमने बहुत सारे ब्लैंकेट्स खरीद के जो रस्तों पे गरीब लोग हैं उन सबको अपने हाथों से जाके ब्लैंकेट्स उड़ाए. तो बहुत सही फीलिंग आया कि जब वो थुटर रहे थे और हमने उनको ऐसा कंफर्ट में पहुंचा दिया और उसके बाद जो उनको आराम मिला रात रात में हम लोग जाके ये एक्टिविटी किया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा ऐसा करने में और एक रिलीफ मिला कि हम लोग दूसरों को अपने तरफ से फायदा पहुंचा रहे. मैं तो ये भी नहीं कह सकती आप पे पिक्चर बननी चाहिए, ऑलरेडी बन गई. अच्छा, what is one thing that you hate about being famous? मुझे कहते हैं ये चीज़ famous होने का. I hate clicking selfies. I'm so done with it. I they invade my privacy all the time. I am smoking somewhere. I am with my family. I am watching a film. I am going here there everywhere. Even in the washroom they are coming like okay. गिव मी अ सेल्फी. और मतलब मैं कभी कभी स्टार्टिंग में मुझे मज़ा आता था कि अरे देखो ये भी मुझे पहचान रहा है, वो भी मुझे पहचान रहा है, चलो खुशी खुशी सेल्फी देने का. लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोग इतना पिस करने लगे, फिजिकली मुझे अब्यूज़ करते, आके हाथ वाथ पकड़ के घसीटते के, और कभी कभी बिना पूछे बिना परमिशन के एक बंदा आता है ऐसा फ़ोटो खींचने लगता है मैं जैसे स्टैचू हो कोई. तो ऐसा बहुत सारा चीज़ मुझे कभी कभी पिस ऑफ करता है. एक बार पिस करने के लिए भी जानती नहीं है. मेरे ट्रैफिक में मेरा पीछा करके मेरा घर फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग स्टेट से घूम फिर के कुर्ला में पूरे यहाँ तक पहुँच जाते हैं उन लोग मुझे ढूंढते ढूंढते. तो ऐसी पॉपुलैरिटी के साथ साथ मतलब अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, सब झेलना पड़ता है. कितने स्टॉकर्स हैं आपके? गिनती नहीं है उसकी. लेडीज स्टॉकर ज़्यादा है, जेंट्स स्टॉकर ज़्यादा है? मतलब सब ज़्यादा है, लेडीज जेंट्स. बट लड़कियां आपको क्या क्या कह के प्रपोज करती हैं या फिर तो marry me, Naezy. मेरा नाम नेजी द बा है लेकिन लड़कियां मुझे नेजी द बे बोलते हैं. नेजी द बे. कोई पसंद आई नहीं आई आपको बे? हाँ, मेरे एल्बम में एक गाना है प्यार है जो मैंने अपने क्रश के लिए लिखा था. तो वो गाना अभी सब लड़कियों के लिए, सब लड़कों के लिए, सबके लिए मैंने लिखा कि तुम लोग सबसे मुझे प्यार है और प्यार स्प्रेड किया है मैंने उस गाने के थ्रू. तो हो जाए थोड़ा सा. क्यों नहीं? प्यारे प्यारे हमको तुमसे प्यार है, 24 घंटे भेजे से तुम निकल नहीं पा रहे. प्यारे प्यारे हमको तुमसे प्यार है, नजरों के निशान बन गए जान लेके जा रहे. क्या बात है. गाना किसके लिए लिखा? जब ने क्रश के लिए लिखा था, क्रश स्कूल कॉलेज वाला था, कौन सा था या टीचर पे क्रश था? नहीं, मैं फर्स्ट. यू लुक लाइक आपको टीचर पे क्रश हुआ होगा. हाँ, ऐसा लगता है आपको. हाँ, देखे नौटिया बहुत. हाँ, मैंने बहुत मस्ती की है टीचर्स के साथ, तो बहुत मस्ती की है. आज तक उन लोग मुझे याद रखे कि मतलब अभी उनको पता चल गया कि मैं क्या बन गया हूँ लाइफ में, तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने और मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे क्योंकि मैं बहुत नॉटी किड था. मैं पढ़ाई लिखाई से दूर मस्ती में ज़्यादा था. तो मैंने बहुत मस्ती की है स्कूल डेज में और आज वो टीचर्स प्राउड होते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ सही अपने लाइफ. नेजी, कभी आपने बचपन में किसी लड़की को प्रपोज किया, उसे रिजेक्ट किया होगा? आज तो अपना सर पीट रही होगी. ऐसा हुआ है मेरे साथ. आज तो अपना सर पीट रही होगी कि किसको मना किया. नहीं तो वाकई में मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो मुझे मिले और मैं जानना चाहता हूँ कि उसको कैसा फील हो रहा है अभी. क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे बोला उसने कि अरे वो दूसरी जो लड़की है ना वो तेरे पीछे है, उसको जाके तू प्रपोज कर, मेरे पीछे मत आ. अच्छा. तो मेरे को बहुत बुरा लगा था और मैं पहली बार हिम्मत करके गया किसी लड़की के पास और उसने मुझे ऐसा सजेशन दिया ना, तो मुझे मेरी एकदम हट गई और आज सच में वो पछताती होगी. मुझे नहीं, आई होप शी इज ऑल्सो हैप्पी समवेयर और आपके लिए जो कन्या है वो भी कहीं खुश होगी और आ जाएगी आपकी जिंदगी में. कोई है नहीं है, आते जाते रहते हैं. बस ट्रेन और लेडीज. अच्छा, वो होगा प्यार. फ्लेक्सिबल रखा है मैंने उस चीज को, समझ रहे. मैं एक जगह फंसना नहीं चाहता.
आई थिंक इफ यू फसोर देन द रैप स्टाइल विल ओनली चेंज. मतलब आजकल की लड़कियां तो आजकल गले पड़ हुए, समझ रहे हो, उनको दो अच्छी बात बोल दो, तीसरी बात उनकी यही रहती है चलो अभी शादी कर लो, ये शादी कर लो. हाँ मतलब मतलब पीछे पड़ जाते हैं. अगर तुम उनके साथ रिलेशनशिप में भी हो तो उनका गोल वही बन जाता है, उनका मकसद वही बन जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बच के रहता. यू डोंट वांट टू गेट मैरिड? नो, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एवर, बट माय फैमिली इज बिहाइंड मी. शादी करूंगा तो मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, फोकस शिफ्ट हो जाएगा, मेरा सब कुछ मतलब बढ़ जाएगा, हर चीज जो मैं कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट में जितना पोटेंशियल अपने आप पे लगा रहा हूँ वो फिर वाइफ पे लगाना पड़ेगा, फैमिली पे लगाना पड़े, तो शादी तो अभी थोड़ा दूर है. शादी अभी दूर है, बट अगर आपको करनी हो तो कोई ऐसे यू नो डेस्टिनेशन वेडिंग, जैसे आजकल विराट अनुष्का हमने कितनी सारी देख ली, कोई आपके माइंड में है कि मैं इधर करूंगा वैसे, या एंट्री पे सबको रैप करना पड़ेगा ऐसे घर से बना के लाओ रैप? प्लैनेट अर्थ के बाहर करना है मुझे. प्लैनेट अर्थ के बाहर करना है? कहाँ पे करूंगा? स्पेस पे जाके करना है, नासा के साथ कोलैबोरेट करना है. ये सही शादी होगी, शादी इसलिए कर नहीं रहे हो आप क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बनने दो. एलन मस्क को फोन ऑन करते हैं कि भैया स्पेस पे जाना, जब तक आम हो जाएगा जब तक करेंगे, मार्स वार्स पे जाके करेंगे अपन, फिर वहीं की लड़की ढूंढ लेंगे. हाँ इस दुनिया में तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो बाहर की पसंद तो आपको आ रहे हैं बट थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं. हाँ थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं आ पा रहे. कोई रिचार्ज खत्म हो जाता है पसंद का, कोई बात नहीं. नहीं मैं वैसे टाइप का बंदा नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत सोचो. मजाक कर रहे हैं यार. बट पर्सनली डू यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रैप कल्चर जैसे पाइनियर मैं रहा हूँ तो मैं जो करूंगा उस पर सबकी नजर रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता? हाँ एग्जैक्टली, अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, प्रेशर. हाँ क्योंकि यंगस्टर्स सब मुझे देखते हैं और वो चाहते हैं मेरे जैसा बनना, तो अगर मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ तो उन पर गलत असर पड़ेगा. मेरा मतलब उनको, मैं एक आइकॉन जैसा बन गया हूँ यूथ के लिए. तो अभी मैं सब चीज़ें जो मेरी कदम है मैं फूक फूक के रख रहा हूँ. हाँ, एक एक चीज़ों मेरा एक्शंस जो भी मेरा एक्शंस है उस पर मेरी नज़र है, और मैं धीरे धीरे कॉन्शियसली सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा हूँ कि सब अच्छी चीज़ें करूँ ताकि एक राइट एग्जांपल सेट हो सोसाइटी में. बट आपके बारे में कौन सा एक परसेप्शन है जो आपको लगता है गलत बन गया है, मतलब मैं नहीं हूँ ऐसा? ये कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ. हमने भी यही लिखा गुस्सा. हाँ, MTV हसल पे मैं एक शो जज करने गया था, वहाँ पे मैंने कंटेस्टेंट को बहुत रूडली, मतलब रूडली नहीं, मैं इनफैक्ट सच्चाई बोल रहा था कि मुझे जो नहीं पसंद आया मैंने बोला नहीं पसंद आया, तो वो वहाँ से लोगों को लगने लगा कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है. हाँ कि मैं लोगों को डांटता हूँ, गुस्सा करता हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बहुत मैं मस्ती भी करता हूँ लेकिन मतलब काम में डिसिप्लिन है. हाँ और गुस्सा मैं सही जगह इस्तेमाल करता हूँ, जो गुस्सा है ना उसको मैं डाइवर्ट करता हूँ, चैनलाइज करता हूँ. सबसे ज्यादा गुस्सा कौन खाता है आपकी फैमिली में? आपसे सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? सबसे मम्मी को, मम्मी मेरे करीब है और मैं उनपे हमेशा गुस्सा करता हूँ, खाने में नमक कम है, ये है वो है, और कोई भी छोटी छोटी बात पे मम्मी पे मतलब वो प्यार वाला गुस्सा है कि मम्मी ऐसा क्यों, अनफिल्टर्ड. हाँ मम्मी ने कभी चपेट नहीं मारी? चुप है, मैंने पैदा किया ज्यादा मत बन. बचपन में बहुत मार खाया, बहुत मार खाया. हाँ, क्या वो सबसे ज्यादा कौन से शरारत में मार खाया? मैंने एक लड़की को कुछ उल्टा उल्टा बोल दिया था. सारी कहानी लड़की में ही आ रही है बाहर घूम के. हाँ और मुझे हीरो बनना था, मेरे फ्रेंड ग्रुप में पता है मेरे फ्रेंड्स बहुत मुझे ऐसा समझते थे कि इसमें हिम्मत बहुत है, ये वो, और वो लड़की डेयरडेविल लगता ही हो. हाँ वो मेरी नेबर थी. अच्छा. और उससे मेरा कभी कुछ बात थी, वो हमेशा मुझे अच्छा समझती थी, मैं भी उसको अच्छा समझता था, लेकिन मेरे दोस्त के चढ़ाने पे चार्ज होके मैंने उसको कुछ बोल दिया और उसने, वो इतनी बिंदास थी उसने लिटरली वो वर्ड्स आके मेरे आंटी को बोल दिया. हाँ. तो उसके लिए मुझे बहुत मार पड़ी थी. मार किससे? हाँ, पड़ी डैडी से. और पता है मेरे डैड दुबई में थे और क्या क्या यूज किया गया. मेरी मॉम साल भर की रिपोर्ट लिखती थी कि इसने क्या क्या मस्ती किया है, तो उसमें से एक हाईलाइट हो गया था कि इसने ये लड़की को कुछ बोला है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मेरे डैड ने आके वो निकाला और बोले ये क्या, मेरे को भरना स्टार्ट किया, पट्टे पट्टे से मार खाया, बहुत पिटाई. दिस आई थिंक जितने भी लोगों के पेरेंट्स बाहर रहते, बाप बाहर रहते, माओ ये बहुत ही सही ट्रिक है, पूरे साल लिखते रहो. आज इसने ये किया, आज इसने बर्तन तोड़ा. मेरी परवरिश वैसे ही हुई, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन घर में था मैं, लेकिन मैं जितना मेरा घर में डिसिप्लिन था उतना नोटोरियस था मैं बाहर. हाँ, तो मेरे दो रूप थे, मैं बाहर एकदम शरारती, अंदर आके एकदम जी जनाब फरमाइए बैठिए तशरीफ लाइए वो, और बाहर जाके फुल स्लैंग. तो मेरे दो रूप थे ऐसा, ऐसे ही मैंने. आपको सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ी? पापा से ही ना? हाँ, उनसे सबसे ज्यादा. मम्मी से भी पड़ी, मम्मी पापा और मेरे आंटीज भी मेरे साथ रहती थी, ग्रैंड फादर. तो सबसे डांट पड़ती थी, सबसे डांट. अभी आप सबको डांट रहे हो. टेबल्स हैव टर्न्ड. हाँ, टेबल्स हैव टर्न्ड. अच्छा सबसे महंगी परचेज आपने अभी तक कौन सी की? लाइक गाड़ी,
है ना, वही होगी ना. चलो सो वी विल डू सम सॉन्ग्स. ठीक है. एकदम हार्ड बॉय, वेरी स्मार्ट बॉय, नेजी से आड़ी करा लेके जा रहे वार्ड बॉय, चार वार्ड बॉय हॉस्पिटल. अगर स्कूल है हिप हॉप तो मैं प्रिंसिपल, अगर देश है हिप हॉप तो मैं कैपिटल. मेरा टेस्ट एकदम रावस, मैं मास्टर शेफ, मेरे पैसे बैंक में जास्टिच है, राज मार्केट पे भाग भाग पीछे. लगे तेरे ठोले तेरे लगे या तू रोले, मेरे को बोले मत कर रे चाले बिन बजे. घोड़े मेरे यारो अब है लगाम में, घोड़े फिर के कालो टांग अड़ा काम में, गोरे गोरे गाँव का रहता टाउन में, चिल कर यारा तेरी पार्टी करूँ फिक्स, नो नो बॉल डाला सीधा पड़ा तुझे सिक्सर, पिंटक वाला नहीं सीन में हूँ जिक्सो. मेरी सोहबत मोहब्बत मोहब्बत तेरी सोहबत नौबत नौबत नेगेटिव, पौधे का बीज जड़ से निकाल दूँ मैं, जड़ से मैं काट दूँ. कौन हार्ड कौन हार्ड कौन हार्ड कौन हार्ड, नेजी दबा बोले एकदम हार्ड बॉय. ओह माय गॉड किलर. कितना टाइम लगता है कोई गाने के लिरिक्स लिखने में? बहुत टाइम लगता है, कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है. लोगों को जनरली लगता है क्या है रैप राइम ही तो है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, बीट पे बिठाना ये वो. सो हाउ डू यू डू इट? कितना टाइम लगता है? इट्स अ टफ जॉब. मतलब बहुत सारी चीज होती है, 16 बार्स की गिनती होती है कि लाइंस, दो लाइंस मिलके एक बार बनता है, फिर वो म्यूजिकल नोट्स पे उसको बैठाना होता है बिटवीन द किक एंड स्नेर द ड्रम रोल. फिर उसमें मल्टीपल सिलेबल राइम मैं करता हूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, जहाँ पर मैं फोनेटिक साउंड्स का इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ को कुछ भी चीज़ से राइम करता हूँ, नहीं भी हो रहा है तो मैं उसको राइम करता हूँ. तो ऐसा कर करके उस पर मेहनत करनी पड़ती है रात रात भर बैठ के, कभी दो तीन दिन लगते हैं, कभी हफ्ता भर लगता है, ऐसे ऐसे करके गाने तैयार होते हैं. कभी ऐसे क्रिएटिव ब्लॉक नहीं होता कि आ ही नहीं रहा यार, आ ही नहीं रहा? कभी कभी होता है ऐसा. तो क्या करते हो? लोनावला भागते हो? कहाँ जाते हो? ट्रैवल करता हूँ. ट्रैवल करते हो? फेवरेट डेस्टिनेशन टू राइट रैप सॉन्ग्स? बॉम्बे 70, माय ओन हुड. अच्छा. लेकिन मैं ऐसा यूके यूके जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, ऐसे अलग अलग जगह पे जाता हूँ. इंस्पिरेशन भी अमीरों वाली आती है ना आपको. हाँ. अभी आप मर्सिडीज वाले हो गए. इंस्पिरेशन मुझे गलियों से जो इंस्पिरेशन आता है वो कहीं और से नहीं आता है. सबसे ज्यादा इंस्पायर मैं अपनी गलियों से ही होता हूँ. तो मैं वापस जाता हूँ गलियों में, थोड़ा वहाँ जाता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे जो मिल रहा है लाइफ में ये सब मैं ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ. ये बहुत बड़ी बात. हाँ, ये फिर थैंकफुल ग्रेटफुल होता हूँ और फिर कदर होती है चीज़ों की, तो अच्छा राइटिंग निकलता है, फिर मेहनत करता हूँ. तो मैं बार बार विजिट करते रहता हूँ बॉम्बे 70. What is the weirdest concert story? मतलब सबसे ज़्यादा weird चीज़ क्या हुई है concert में आज तक? मेरे साथ दिल्ली में बहुत weird चीज़ें हुई है. हाँ. एक बार मैं परफॉर्म कर रहा था तो एक लड़की ने आके मेरा माइक होल्ड कर लिया और मुझे बोला कि यो हनी सिंह का गाना बजाओ. एंड शी वॉज ऑल ड्रंक. उसको नाचने का था, उसको कुछ ऐसा गाना, और मैं वहाँ पर आफत गा रहा था, कुछ नेबरहुड के बारे में गा रहा था कि पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके. वो मेरे को आके बोलती है चार बुटल उड़का बजाओ. और उसने मैडम तुमने पिया है, बजाने की क्या जरूरत है? उसने मेरे को इतना गुस्सा दिलाया, मैं लिटरली वहां से हट गया. मैं बोला यार इसको कोई दूर करो. और वो मेरे आंग पे आ रही थी, मेरा माइक वाइक पकड़ने आ रही थी, मेरा परफॉर्मेंस रोकना चाह रही थी. ओह माय गॉड. हाँ. और वो इतनी ड्रंक थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है. तो ये इंसिडेंट हुआ. फिर मैं डर डर के दिल्ली के क्लब में, मतलब डर के जाता था कि यहाँ की लड़कियां पागल होती. फिर एक बार एक लड़का मेरे, उसने भी ऐसी हरकत किया. उसने, मैं पुलिस वालों के बारे में गाना गा रहा था, तो उसने आके मुझे रोका और बोला मेरा ताऊ पुलिस वाला है तो वो पुलिस वालों के बारे में गाना नहीं गा सकता है. अच्छा. तो मैं बोला अगर तेरा ताऊ करप्ट नहीं है तो तेको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं करप्ट लोगों के बारे में गा रहा हूँ. तो फिर वो चुप हो गया. तो ऐसे वियर्ड इंसिडेंट्स होते रहते हैं मतलब गिग्स पे. But you enjoy it. Yeah, at the end of the day, that's what matters. I love every bit of it. Every bit. Negative, positive, सब मेरे को मजा ही आता है. अभी तक कौन सी कंट्रीज में आपने परफॉर्म कर लिया है? मैंने यूके में परफॉर्म किया है, दुबई में किया है, मैंने टोक्यो में किया है. टोक्यो में? ऑस्ट्रेलिया में किया है. वाओ. बहुत ड्यूटी फ्री से चॉकलेट्स और कुछ कुछ और लेके आए होंगे हर जगह ना. बहुत कुछ 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 ना, बहुत सारा लाया हूँ मैं यहाँ पे, पकड़ाया भी हूँ. मेरा सामान लोग ज्यादा चेक करते हैं, पता है, लोग देखते हैं स्वैग में आ रहा है ना तो कुछ तो इसने लाया रहेगा. लेकिन मैं बच जाता हूँ, मेरे को आदत हो गई कैसा निकलना चाहिए वहां से. आदत और आफत दोनों हो गए. पर जाते जाते प्लीज वन आफत हो जाए, एक आफत हो जाए. क्यों नहीं. पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी पटीली हर नाके पे, सबसे हटकर सबसे कट्टर मुखुला तो सर पर फत्ता सबसे खतरनाक बम्बई 70.